मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, एक बहुत बड़ी भारी समस्या होती है जब हम विवाह की मैचिंग करवाते हैं, और विवाह की मैचिंग के अंदर 8 चीजों को देखना होता है। अगर उन 8 चीजों के अंदर अधिक से अधिक चीजें मिल रही हैं, जैसे है, सबसे पहले है वर्ण। वर्ण के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण होते हैं। इसमें देखना ये जरूरी होता है कि कौन सा वर्ण किसके ऊपर भारी पड़ रहा है, अर्थात परिवार के अंदर कौन वहां पर अपना नियंत्रण रखेगा या अपनी कंट्रोलिंग पावर रखेगा। और उसके अंदर जब आपस में तारतम्य नहीं बैठता तो वहां पर भी विवाह जो है विच्छेद होने के कारण हो जाते हैं, लेकिन इसका मिलता है 1 गुण। दूसरे नंबर पर है वश्य। वश्य का मतलब है एक दूसरे के वश में होना। अब वश्य में, एक दूसरे के वश में तो स्त्री और पुरुष दोनों को ही होना होता है, लेकिन किसका किसके ऊपर कंट्रोल ज्यादा है उससे जो है वश्य देखा जाता है, और इसके 2 गुण मिलते हैं। तीसरे नंबर पर होती है तारा। तारा 9 होती है। इनके अंदर वध, मृत्यु और प्रत्यरी, ये तारा जो है आपस के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो वर और वधु एक दूसरे के लिए घातक होते हैं, तो वहां पर इनके 3 गुण होते हैं, वो कट जाते हैं। चौथे नंबर पर आती है योनि, और इनका एक एक जो मैं क्रम बोलता जा रहा हूं उनका एक एक ही गुण बढ़ता चला जा रहा है। अब योनि है तो योनि भी किसी की गऊ है, किसी की सिंह है, किसी की स्वान है, किसी की बिलाव है, किसी की सर्प है, किसी की नकुल है, तो कौन योनि किसकी जो है शत्रु है, तो उन बातों को उसके अंदर देखा जाता है कि इनका तारतम्य कैसा बैठेगा। अगर वहां पर शत्रु योनि है तो 4 गुण कट जाते हैं, उनके आपस में मिलान नहीं होता या उनकी जो है गाड़ी पटरी के ऊपर नहीं चल पाती है या उनमें आपस में तनाव रहता है। अब आगे एक चीज आती है ग्रह मैत्री। इसके 5 गुण होते हैं, और 5 गुण ग्रह मैत्री के अंदर, जैसे किसी का मालिक मंगल है, किसी की राशि का स्वामी मंगल है, किसी का बृहस्पति है, तो आपस में मित्रता है तो उनकी गाड़ी चल पड़ेगी। और जिनकी शत्रुता होती है, जैसे एक का मालिक मंगल है, एक का मालिक शनि है, एक का मालिक मंगल है, एक का मालिक जो है शुक्र है, तो ये शत्रु राशियां हो जाती हैं, और शत्रु राशियां होने पर तारतम्य नहीं बैठता है, आपस में शत्रुता रहती है। और विवाह जो किया जाता है एक सुखद जीवन यापन करने के लिए विवाह किया जाता है, और वहां पर वो तारतम्य नहीं बैठने के कारण से जीवन हमारा दुश्वार हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। जब एक दूसरे के अंदर प्रीति नहीं है, प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, सहानुभूति नहीं है, तो वो फिर वैवाहिक जीवन की गाड़ी हमारी खींचना बड़े मुश्किल हो जाती है। ग्रह मैत्री के बाद में आता है गण, और गण के अंदर देव, मनुष्य और राक्षस गण होते हैं। अब इनमें अगर एक का देव गण है और एक का मनुष्य गण है तो चलेगा, एक का देवगण है दूसरे का देवगण है तो भी चलेगा, बहुत बढ़िया गाड़ी चलेगी, 6 गुण मिलते हैं। और एक का मनुष्य है दूसरे का भी मनुष्य है तो भी चलेगा, लेकिन एक का मनुष्य और एक का राक्षस हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर राक्षस जो है वो तामसी प्रवृत्ति का होता है, मनुष्य सात्विक प्रवृत्ति का होता है, तो सात्विक प्रवृत्ति के सामने तामसी प्रवृत्ति जो है वो हावी हो जाती है, या ये समझिए कि राक्षस और मनुष्य का योग नहीं बन पाता है। ऐसी स्थिति में इनके जो गुण होते हैं वो 6 गुण होते हैं, और 6 गुण हमारे कट जाते हैं अगर मनुष्य और राक्षस हुआ तो। अब इसके आगे जो बकुट होता है, बकुट भी 3 प्रकार का होता है, एक राशि से दूसरी राशि दूसरी और 12वीं हो,
यानी वर्क की राशि से कन्या की राशि बारहवीं हो, तो ये जो है ये भी भक्कुट होता है, इसको दीर्घ द्वादश कहते हैं। और वर्क की राशि से कन्या की राशि दूसरी हो तो इसको दूसरा स्थान कहते हैं, तो दीर्घ द्वादश यानी 2 और 12, तो ये योग भी ठीक नहीं होता, दरिद्रता देता है। एक भकुट दोष होता है नवम पंचम, एक राशि से दूसरे की राशि नवी या पांचवी हो, तो वहां पर नवम पंचम दोष होता है। नवम जो है वो भाग्य का होता है और पांचवा स्थान ये विद्या का होता है। तो एक व्यक्ति अगर भाग्य को प्रधानता देता है और एक व्यक्ति अगर विद्या को प्रधानता देता है तो वहां पर भी आपस के अंदर टकराव होता है, और इसके जो गुण हैं वो 7 होते हैं। एक भकुट दोष होता है सराष्टक, छठा और आठवां, यानी एक दूसरे के प्रति रोग देना। अगर कन्या की राशि से वर की राशि छठी पड़ती है तो वो जो है कन्या के लिए रोग कारक होता है, और वर की राशि से कन्या की राशि छठी पड़ती है तो वो जो है वर के लिए रोग कारक होती है। और अगर इनकी एक दूसरे की राशि आठवीं हो जाती है तो मृत्यु कारक हो जाती है। तो यहां पर 7 गुण इनके जो है कटते हैं या प्राप्त होते हैं। और एक आठवां है, आठवां कूट है वो है नाड़ी, नाड़ी दोष। नाड़ी 3 प्रकार की होती है, और नाड़ी जब 3 प्रकार की होती है, आदि, मध्य और अंत। अब नाड़ी को आप जानते हैं कि नाड़ी जो है एक तो हमारी नसों को नाड़ी कहते हैं, और वैद्यक में आयुर्वेद के अंदर ये नाड़ी जब देखी जाती है तो उसमें आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी है, यानी वात, पित्त और कफ, उनको देखा जाता है किसका रोग व्यक्ति को हो रहा है। और यहां पर अगर एक की नाड़ी जो है वात है और दूसरे की भी वात हो गई तो वहां पर वात रोग की प्रबलता हो जाएगी, वात रोग के कारण से जो है मृत्यु हो सकती है। कफ के कारण से मृत्यु हो सकती है, पित्त के कारण से मृत्यु हो सकती है। तो नाड़ी दोष के सबसे ज्यादा गुण होते हैं 8, या तो वो प्राप्त होते हैं या वो कट जाते हैं। तो यहां पर कुल मिला करके जितने भी गुण होते हैं उनका टोटल होता है 36, और 36 के अंदर भी हमें 18 गुण का मिलना बहुत आवश्यक होता है। अब यहां पर शास्त्र ये कहता है कि अगर गुण हमारे 18 ही हैं लेकिन फिर भी उसमें राशि मैत्री नहीं है तो क्या करें, तो उसको छोड़ देना चाहिए। कारण कि मैं वर्ग वर्णों न गणों न योनि दीर्घ द्वादशे नैव षडष्ट केवा तारा विरुद्धे नव पंचमे च राशि समैत्री शुभदो विवाह। अगर राशि मैत्री है तो वर्ग दोष, वर्ण दोष, तारा दोष, वश्य दोष, योनि दोष, दीर्घ द्वादश, नैव षडष्ट केवा, षडाष्टक योग, ये सब जो है उसके अंदर उनका शमन हो जाता है या समाप्त हो जाते हैं या उनको देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती, केवल एक नाड़ी को छोड़ करके। नाड़ी एक ऐसा दोष है जिसको टालना बहुत आवश्यक है, लेकिन सज्जनों लोगों में क्या भ्रांति है कि नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, नाड़ी दोष केवल ब्राह्मणों को देखनी चाहिए। नहीं भाई, दोष तो दोष है, वो हर किसी को लागू होता है, इसलिए नाड़ी दोष को भी जो है देख करके चलना चाहिए। और नाड़ी दोष में भी ये है कि अगर एक ही नक्षत्र है और उनका चरण दोनों में भिन्न है, मान लीजिए एक का मघा नक्षत्र है और दूसरे का भी मघा है, नाड़ी दोष हो जाएगा। लेकिन अगर एक का पहला चरण है और दूसरे का जो है तीसरा है, चौथा है, तो वहां पर चरण भिन्नता के कारण से वहां पर नाड़ी दोष नहीं रहेगी। राशि एक है और नक्षत्र 2 हो जाते हैं, या फिर नक्षत्र एक है राशि 2 हो जाती है, जैसे मृग सिरा नक्षत्र है, वे वो 2 अक्षर आदि के अंदर आ जाते हैं और वे कह कि ये जो है तीसरे और चौथे चरण में आ जाते हैं। तो यहां पर एक की मृग सिरा नक्षत्र है और उसका जो है पहला चरण है, दूसरे का चौथा चरण है या तीसरा चरण है, तो यहां पर नाड़ी दोष नहीं रहती।
तो ऐसी स्थिति के अंदर विवाह योग है हम कर सकते हैं। तो यहां पर अगर राशि मैत्री मात्र तो है और नाड़ी दोष नहीं है तो फिर आप जो है विवाह कर सकते हैं। ये शास्त्र हमें मान्यता देता है या आज्ञा देता है। बाकी आपको और भी किसी विषय की जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। नमस्कार। कितने मिनट हुई? हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुला मुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।